हाय, मैं डॉक्टर शर्यू और हमने जो सीरीज बनाई है बेनिफिट्स ऑफ वेरियस फूड्स के ऊपर, मैं सर्जन हूँ। तो जब भी हम लोग सर्जरी के बाद में पेशेंट को शिफ्ट करते हैं वार्ड में और राउंड को जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल हमें ये पूछा जाता है कि भाई अभी हम पेशेंट को क्या खिलाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें उन्हें बतानी पड़ती है, और डाइट के बारे में तो काफ़ी हमें जानकारी रखना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअसली पेशेंट दवा क्या खाएं इससे ज़्यादा हम क्या खाएं इसके ऊपर ही ज़्यादा चर्चा होती है। तो हम पहले सबसे पहले जब पेशेंट यानी एनेस्थेसिया से आउट होता है, तो सबसे पहले हम बोलते हैं कि चाय बिस्किट दे दो। तो हम आज बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ टी, यानी चाय पत्ती या चाय के बेनिफिट्स क्या क्या है। सारी दुनिया में चाय पी जाती है और मेरी तो काफ़ी पसंदीदा है। इमीडिएट एनर्जी अगर आपको चाहिए है तो आपको चाय पीनी पड़ती है। मैं तो सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में भी चाय पी लेती हूँ, और एक बात मैं पहले ही बता दूँ आपको कि वो भी लिमिट में आपको पीनी पड़ती है, नहीं तो फिर वेट गेन हो जाता है क्योंकि उसमें शुगर होता है। लेकिन टी के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है। बहुत सारे डिस्प्यूट्स है लोगों में कि भाई चाय पीना अच्छा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चाय के बेनिफिट्स तो ये है कि उसमें 10% एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी ज़्यादा होते हैं। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसमें एल-थियोनिन जो होता है, वो एल-थियोनिन लीवर में इथिल अमाइन के साथ में रिएक्ट होता है और टी गैमा सेल्स को रिलीज करता है ब्लड में। तो ये जो टी सेल्स है ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी में, जो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करता है, यानी इन्फेक्शन होने से आपको प्रिवेंट करता है। इसलिए जो भी वायरल इन्फेक्शन हमें जब भी होता है हम चाय पीते हैं। भाई सर्दी जुकाम हो गया, हम चाय पी लेते हैं। तो एक इन्फेक्शन से फाइटिंग कैपेसिटी जो है वो ये टी गैमा सेल्स जो तैयार होते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें बायोफ्लेवोनाइड्स और टैनिन्स होते हैं। उससे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल होने वाला होता है उसे वो प्रिवेंट करते हैं। और फिर क्या होता है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो आर्टेरियल वॉल के ऊपर डिपॉजिट नहीं होता। इससे क्या होता है, हार्ट अटैक से आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने आप को। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद में इसमें जो है नेचुरल एंटीबॉडीज है, नेचुरल एंटीबॉडीज। तो इसमें क्या होता है, कैटेजिन्स नाम का जो बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है वो एंटीबायोटिक की तरह एक्ट करता है और इन्फेक्शन होने से आपको प्रिवेंट करता है। फिर इसमें होता है कैटेजिन, ये जो मैंने बोला है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसी यानी इंग्रेडिएंट टी में पाए जाते हैं। इसमें पॉलीफिनॉल्स भी होते हैं। पॉलीफिनॉल्स क्या करते हैं, कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइटिंग कैपेसिटी रखते हैं, तो कैंसर होने से भी आपको प्रिवेंट होता है। कैफीन होता है, कैफीन क्या करता है, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है। यही कैफीन जो है वो डोपामिन सिक्रीट करने में मदद करता है, तो आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव मोड में चला जाता है। इसलिए हमें अगर फ्रेश फील करना है तो हम क्या करते हैं, हम चाय पी लेते हैं। भाई हमारी बॉडी में जब भी मेटाबॉलिज्म होता है, तो मेटाबॉलिज्म मतलब सेल्स जो वर्क करते हैं, सेल्स जो ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो कुछ फ्री रेडिकल्स जो है ये रिलीज हो जाते हैं बॉडी से, यानी सेल से, यानी पेशी से। और ये जो फ्री रेडिकल्स है ये फ्री रेडिकल सेलुलर डैमेज करता है। तो ये जो गैमा टी सेल्स होते हैं वो करने नहीं देते हैं, उन्हें वो फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो फिर से हमारी बॉडी जो है ये प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तो और उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर का टी पीने के बाद में इंक्रीज होता है,
तो वेट लॉस होने में भी मदद होती है। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होने से हमारे जो फैट सेल्स है वो मोबिलाइज हो जाते हैं, और जो हमारे मैच्योर फैट सेल्स है उसे मोबिलाइज करने में काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि बहुत सारे जो बायोकेमिकल हेल्थ के लिए इंग्रेडिएंट्स है ये चाय में मिलते हैं। अब हमें स्ट्रेस भी बहुत होता है, हर एक इंसान को स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस जब होता है तब कॉर्टिसोल नाम का एक एलिमेंट शरीर में रिलीज होता है, और ये भी डैमेजेस बहुत करता है। तो एल थियानिन, ये जो कॉर्टिसोल लेवल है इसे इंक्रीज होने नहीं देता है स्ट्रेस में। हम लोग जब पढ़ते रहते हैं या पढ़ाई करते रहते हैं तो हम बहुत चाय या कॉफ़ी पीते रहते हैं। क्यों पीते रहते हैं? क्योंकि स्ट्रेस रिलीवर है, मेमोरी बूस्ट करता है, आपको फ्रेश महसूस होता है, और तो और सबको ऐसे लगता है कि मिल्क के साथ टी पीना अच्छा नहीं है, ब्लैक टी पीना अच्छा है। ब्लैक टी पीना सही में अच्छा होता है, क्योंकि इतने सारी चीज़ें जो है वो ब्लैक टी में आपको मिल जाती है, लेकिन अगर आप मिल्क के साथ में लेते हो तो एडिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिल्क जो है वो आपको मिलता है। मिल्क में एक अच्छा फैट होता है, वो अच्छा फैट आपको स्किन ग्लो करने में मदद करता है, फिर उसके जो भी यानी इम्पोर्टेंस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिल्क के लिए बनाना पड़ेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जो है वो मिल्क में काफ़ी ज़्यादा होती है, तो मिल्क तो एक अच्छा ही फूड है हमारे लिए, और मिल्क के साथ में अगर आप चाय पीते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें यानी इकट्ठा ही मिल जाती है। विटामिन्स कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में दूध में मिलता है, तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट है। और उसके बाद में एक बात मैं आपको बता दूं कि शक्कर जब हम डालते हैं तो हम कैलोरी वैल्यूज बढ़ा देते हैं, तो जो शक्कर की मात्राएं होती है वो लिमिट्स में होना चाहिए, और 2 या 3 कप से ऊपर आप दिन में चाय ना पियो तो अच्छा है। देखते हैं हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी कैसे होते हैं। पीने में ये जो है ये पत्तियां जो है इसे हम ग्रीन टी कह लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम ग्रीन टी कहते हैं। अगर हमें चाय बनानी है तो हम 1 लीफ या 2 लीफ का इस्तेमाल कर लें, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ कि अगर आपको चाय बनानी, बहुत सारी चीज़ें चाय में मत डालो, जैसे आपने अदरक डाल दिया, या तो फिर अदरक डालो तो इलायची मत डालो, अगर इलायची डालनी है तो अदरक मत डालो, और ये दोनों डालना है तो फिर ग्रीन लीफ मत डालो, या तो ये ही डालो ये और ये, ऐसे आप अलग अलग फ्लेवर्स में चाय पी सकते हैं। तो बहुत सारी इन्हें वैरायटी होती है, ये ब्लैक टी पाउडर है, सोसाइटी टी है ये, फिर उसके बाद में ये लीफी लीफी टी है, इसे हॉट वाटर में सर्व करते हैं, अगर आपको चाहिए थोड़ा स्वीटनर तो आप हनी उसमें डाल देते हैं। तो ये जो है ये सूखी पत्तियां हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने प्रोसेस की है या नहीं है, लेकिन ये सूखी पत्तियां हैं। फिर उसके बाद में ये आसाम टी है, आसाम टी, और इसको भी यानी डिप डिप करके आप पी सकते हैं। तो ये एक टी है जो हॉट वाटर में आप डाल के हनी डाल के ले सकते हो। फिर ये डिटॉक्स ग्रीन टी है, मैं तो डिफरेंट टाइप की टीज पीते रहती हूँ, कभी मुझे लगा तो मैं ये वाली पी लेती हूँ, कभी ये, फिर ये भी एक अलग टाइप की टी है, आसाम की टी है ये, मिंट एंड जिंजर इसमें और लेमन ऑलरेडी डाला है, तो कभी कभी लेमन भी डाल देते हैं ये ग्रीन टी में, नींबू के 2-3 बूंद भी डाल देते हैं। सभी इससे हमें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्राएं मिलती है, जितनी भी वैरायटीज ऑफ फूड है वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, तो हमें
जो भी हम खाते हैं उसमें से हमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हमारे बॉडी के लिए मिलती है, और फिर ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ है ये हमारे बॉडी को बूस्टअप करता है। मैं फटाफट आपको बता दूं कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ, चलो देख लेते हैं। चाय भी बनाने की विधि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूं आपको, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे आप, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी है। लाइक कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो ज़रूर कर डालना, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिख देना। धन्यवाद।